परेश कड़के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी। और ये देखिए अब परेश कड़के ने दिखाया मैं काफी कड़क हूं और सामने वाली टीम को कर सकता हूं मैं नरम। टीम का टोटल छक्के के साथ 16 रन। अज तहसील भाई साहब तालुका आप सीधी सी भाषा में देखिए ब्रेकिंग न्यूज इस टूर्नामेंट को जब भी मैं रायगढ़ में रायगढ़ के किसी भी कोने में मैं जब जाऊंगा तो इस टूर्नामेंट का जिक्र मैं संतोष भाई जरूर करूंगा क्योंकि एक दिन एक रात में नाश्ता और दूसरे दिन खाना ये पहली बार मैं देख रहा हूं दर्शकों के लिए। हाँ देखिए नाश्ता जब बांटने की शुरुआत हुई थी तो तकरीबन एक घंटे से ज्यादा हुआ है फिर भी अभी भी लोगों को नाश्ता दिया जा रहा है। ये डॉट गेंद आई परेश कड़के इस मैच को निकाल सकते हैं उनमें वो क्षमता है। एक ऐसा खिलाड़ी है जो अनहोनी को होनी कर सकता है जज्बे के साथ खेलने वाला खिलाड़ी। 16 गेंदे 40 रनों की जरूरत ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला एक रन जरूर मिला क्या मिलेगा दूसरा लेकिन रन मिला महज एक और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 17 रन। 15 गेंदे 39 रनों की जरूरत। हमेशा मैं कहता हूं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा हिम्मत करनी होगी लड़ना होगा संघर्ष करना होगा क्योंकि बगैर संघर्ष किए कोई जीत नहीं मिलती क्योंकि राष्ट्रवादी के सर्व सर्व आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने भी उम्र के 80 साल में संघर्ष किया तब यह सुनहरे दिन तब इस ग्राउंड के ऊपर लहराती हुई राष्ट्रवादी हमें नजर आ रही है उनकी खड़ी नजर आ रही है क्योंकि बगैर संघर्ष जीत मिले ना तो जीत का महत्व नहीं होता। देखिए ऊपर से गिरती है बारिश नीचे से अपने विचारों से प्रेरित करते हुए जनता को शरद चंद्र जी पवार साहब संघर्ष किया और संघर्ष के बाद एक ऐसा मुकाम हासिल हुआ कि दिल्ली के कई चाणक्य भी कहने लगे कि राजनीति का असली चाणक्य अगर आपको देखना है तो महाराष्ट्र में जाइए आपको वहां पे देखने को मिलेगा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर शाहू फुले अंबेडकर के विचारों पर चलने वाला आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब। टीम का टोटल 18 रन। परेश कड़के लटक तो चुके हैं लेकिन क्या ये कैच लिया जाएगा और ये वायर ने बचाया और ये दूसरा रन भी पूरा इलेक्ट्रिकल वायर क्योंकि रोहित पांडे वेल जज थे कैच के लिए आश्वस्त थे लेकिन अब देखना ये होगा क्या ये वायर तकदीर बदल देगी सिद्धेश अकुरली की। चलिए फर्स्ट एड लेके जाइए ओके है ना ठीक है। नहीं नहीं वायर को पहले ही बताया है वायर से टच हो गया अगर कैच होता था तो कैच सीधा बाउंड्री के बाहर जाता तो छे टॉस के समय ये सब बताया जा चुका है। टोटल 20 जरूरत 12 गेंदे 36 18 की औसत। तो कालापुर के कप्तान यहां पर आ चुके हैं मैं पनवेल के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है पनवेल के कप्तान। देखिए आंग्रे साहब भी यहां पर आ चुके हैं जो कोच थे पेंट पूर्व विभाग लीग में एक टीम के अंपायर भी थे हमारे साथ नंदनवाड़ा में सरपंच ट्रॉफी में। पनवेल के कप्तान को मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। निश्चित तौर पर लेकिन अब ये तुषार 12 गेंदे 36
18 की औसत, शेर दिल का कलेजा रखना होगा परेश कड़गे को, शेर की तरह दहाड़ना होगा, क्योंकि 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की जिंदगानी जरूरी नहीं होती। एक दिन ऐसा काम करो ताकि आपका नाम 100 सालों तक जिंदा रहे। तो नए बल्लेबाज गेंदबाज आकाश केदारी ने इस गेंद को डाला था, रन मिला महज एक, लेकिन परेश कड़के में वो क्षमता इस मैच को जितवाने की। 36 बन सकते हैं अगर ये संघर्ष करे तो। देखिए संघर्ष किए बगैर कुछ नहीं होगा। ये अपील जरूर की गई थी, थर्ड अंपायर की मांग की गई है। देवनावे गुरुग्राम पंचायत आयोजित मराठ्यांची गौरव गाथा आणि महानाट्य, हे महानाट्य आणि कार्य अहवालाचे प्रकाशन देवनावे गुरुग्राम पंचायत आपल्या सर्वांना निमंत्रित करते। मराठ्यांची गौरव गाथा, वेडात मराठे वीर दौडले सात, असं इतिहासामध्ये आपण नेहमी म्हणतो, पण आता गरज आहे वेडात मराठे वीर दौडले सात म्हणण्यापेक्षा एक साथ, कारण सगळ्यांनी मिळून एक साथ जर झालं तर हा महाराष्ट्र ज्या उंचीवर आहे, जो अव्वल क्रमांकावर आहे भारत देशांमध्ये, जे जे राज्य आहेत विकसित त्यामध्ये अव्वल क्रमांकावर आहे, तो नेहमी अव्वल क्रमांकावरच राहणार। खऱ्या अर्थानं ज्यावेळी अब्दाली ने मराठ्याला विचारलं क्यों अब लड़ना चाहते हो, तो मराठ्याने उत्तर दिलं बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। ही गौरव गाथा आपल्याला देवनावे ग्रुप ग्राम पंचायत आयोजित या महानाट्यामध्ये पाहायला मिळेल। पनवेलचा कर्णधार वारंवार आम्ही आमंत्रित करतोय टॉस साठी। दस गेंदे 34, परेश कड़के नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्ट्राइकर एंड पे प्रशांत पाटिल, चिखलेगा ये खिलाड़ी, इनमें भी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। ये दोनों मैच को निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो खेल लोधीवली की प्रतियोगिता में जो प्रशांत पाटिल ने किया था, वो जो खेल जो कामोटी के मैदान पर परेश कड़के ने किया था, वो खेल अगर इन दोनों द्वारा होता है तो यकीनन ये जीत जो दूर लग रही है वो जीत करीब आएगी। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला परेश कड़के ने, क्या मिलेंगे चार, और ये मिलता हुआ चार, और हैरी का देखिए इशारा बहुत ही बढ़िया, जरा जोरदार ताली अंपायर हैरी के लिए, एंटरटेनमेंट। गोटा से नया, देखिए हमें भी अब कुछ नया लेकर आना होगा क्योंकि नए नए कमेंटेटर्स आ रहे हैं। टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, पनवेल तो आ चुका है, ये सोसाइटी की टीम नजर आ रही है, सुमित, और ये देखिए परेश कड़के का कड़क शॉट, और ये अंपायर का इशारा देखिए, 6 रनों का, बहुत ही बढ़िया। सन्माननीय विद्यमान सरपंच देवनावे अंकित जी साखरे यांच्या शुभहस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जातो आहे पनवेल आणि खालापूर जय हनुमान कुंभिवली या दोन संघादरम्यान। राष्ट्रवादी विद्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष
प्रसाद जी पाटिल साहब यांचे इथे आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करतो आहे. जय हनुमान. कुंभेवली संघाने नाणेफेक जिंकले. उमेशजी गायकवाड इथे बसलेत, त्यांचे फ्रेंचायझी, त्यांनी सुद्धा चेंडू पाहिजे, चेंडू द्या. जरा पंच इथे पाहुणे खूप आहेत, त्यामुळे थोडं आमच्या तुमच्याकडे दुर्लक्ष होईल, जरा सांभाळून घ्या प्लीज. सात गेंदे 23 रन. परेश कड़के इन दोनों को बना सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है, लेकिन काबिलियत देखिए. जरूर एक बात मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय सुरेश भाऊ लाड़ हमेशा ये कहते हैं, खिलाफ कितने हो, खिलाफ कितने लोग हो, ये गम नहीं होता, लेकिन साथ निभाने वाला अगर दमदार हो तो लोगों को पता चलता है कि दुनिया में हम कितने ऊंचे कद के इंसान है. टीम का टोटल 33. और ये देखिए, मैंने कहा था परेश करके कड़क बैट्समैन है भाई, ये मैच निकाल के ले जा सकता है. छह गेंदे, अब गेंद दीजिए, 17 रनों की जरूरत. खिलाफ चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, लेकिन साथ निभाने वाला अगर सच्चा हो ना, सच्चा संतोष भाई बैल मारे जैसा, अंकित जी साखरे जैसा, तमाम राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं जैसा, तो दुनिया खिलाफ होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी की घड़ी इसी तरह इस मैदान में जिस तरह चारों ओर लहरा रही है, उसी तरह करजत खालापुर विधानसभा क्षेत्र में भी लहराती हुई नजर आएगी. जीत का तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा. नसानसात भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार, संतोष भाई बैल मरे यांनी आयोजन केलंय दमदार, माजी आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर. माजी आमदार सन्माननीय सुरेश भाऊ लाड, खरं तर त्यांच्या जीवनात संघर्ष आहे, दररोज काहीतरी अडचणी आहेत, दररोज कोणीतरी निंदक आहे, पण असं म्हटलं जात दररोज कोणाचाही विरोध आहे त्याने समजावं, आपला रस्ता मात्र सरळ आहे. नक्कीच युवकांची तरुण फळी त्यांच्या सोबत आहे. ये मॅच देखील परेश कडके मॅच ऑफ द हिरो, मैं कहूंगा इस मोमेंट का मॅच, मॅन ऑफ द मोमेंट. छह गेंदे 17 रन. प्रशांत को अब दिखाना होगा, परेश ने तो किया, परेश ने वो काम किया. गेंदबाज सप्रेम लवजी से आया हुआ ये गेंदबाज, इसे बहुत कुछ करना होगा. आखिरी छह गेंदे हैं, 17 रनों की जरूरत है. छह गेंदे 17, मैच एयर टाइट है. प्रशांत ने इस गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन पर, इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला. क्या परेश कड़के रन बनाएंगे, 5 गेंदे 16 कंपलसरी चेसिंग, इस प्रतियोगिता का नियम. इतना लंबा सफर करके आए हैं, इतना अच्छा खेले हैं, तो और अच्छा खेलते हैं तो जीत के हकदार बनेंगे. वहीं गेंदबाज को ये रन बना बचाने अपने चौक विभाग खालापुर के लिए. और यह देखिए अब परेश कड़के के बल्ले से निकला हुआ एक और नंबर 6, घुटना टेक भाई, तमाशा देख. जो काम हो रहा है राष्ट्रवादी का, यहाँ पर राष्ट्रवादी जिला अध्यक्ष अंकित जी साखरे बैठे हुए हैं, उनके समर्थक सौरभ चौधरी साहब की तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है. और यह लगातार दूसरा, इरादा पक्का, और यह अंपायर का
नो बॉल का इशारा है क्या अंपायर? मणियार का थर्ड अंपायर की मांग की जा चुकी है। देखिए आरपीआई ट्रॉफी जो हुई थी करजत में, उस आरपीआई ट्रॉफी का भी खूबसूरत आयोजन किया था सोनावणे साहब ने और उन्हें साथ दिया था भावड़े ने। क्या ही है डिलीवरी, लीगल। देखिए अंपायर ने माफी मांगी, इसका मतलब है लीगल। गलतियां तो इंसान से ही होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास 24 लाइव इवेंट्स, किसी भी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहने वाला शख्स संदेश पाटिल और उनका यूनिट। तीन गेंदे चार रनों की जरूरत, परेश कड़के तारीफ काबिल, 11 गेंदों में 38 रनों की एक शानदार पारी। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, तीन गेंदे चार की जरूरत, क्या इस गेंद के ऊपर दूसरा रन निकाला जाएगा? दो गेंदे दो रन, गेंदबाज के पास भी मौका है, बल्लेबाज के पास भी मौका है, क्योंकि श्रृंखला का नियम है कंपल्सरी चेसिंग। निश्चित तौर पर मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन लड़ने का संघर्ष होना चाहिए आप में, दिल में जज्बा होना चाहिए, और वो अगर हो तो मुसीबतें तो यूं ही पार हो जाती है। और मैन ऑफ द मैच परेश कड़के, जरा जोरदार तालियां परेश कड़के के लिए। इस बंदे ने दिखाया मुझ में भी है दम, और मैं बन सकता हूं इस मुकाबले का सिंगम। और आखिरी ओवर के एक गेंदबाज को भी यह बताया कि आली रे आली, अतः तुझी बारी आली। मैन ऑफ द मैच परेश कड़के, 13 गेंदों में 40 रनों की एक शानदार पारी।